देव भूमि के रण में हरीश रावत, उत्तराखंड में दौड़ेगा कांग्रेस का विजय रथ। क्या है हरीश रावत की शपथ? उत्तराखंड में होगा कांग्रेस का विजय तिलक। उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े चेहरों पर नजर डालें तो हरीश रावत सबसे ऊपर नजर आते हैं, जो इस बार खुद लालकुआं से चुनावी मैदान में हैं और आज एबीपी गंगा पर बताएंगे कि आखिर क्या है कांग्रेस के विजय तिलक का हरीश रावत प्लान। मैं आज हरीश रावत जी के साथ हूं और हरीश रावत जी लालकुआ से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इस उत्तराखंड में बहुत वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं। तो देखिए, अभी उन्होंने बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ किया और चूंकि बजरंगबली में उनकी आस्था होगी, वैसे तो एक सनातनी धर्म को मानने वाले हम सब लोग हैं, लेकिन बजरंगबली को लेकर के हम जब संघर्ष में होते हैं तो बजरंगबली का हम सभी लोग याद करते हैं। तो क्या राव जी, बजरंगबली सुबह ही हनुमान चालीसा करती है? हाँ, मैं सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। तो यही क्यों? संस्कार है, जैसा माँ बाप ने सिखा दिया, जैसा सुन लिया, वो आप व्यवहार में शामिल हो गया। जिस दिन नहीं करते हैं तो कोई व्यस्तता के मारे कोई हो गया तो उस दिन बेचे नहीं रहते। ईश्वर की पूजा अर्चना करने के बाद नाश्ता करके हरीश रावत निकल पड़े चुनावी मैदान में। लालकुआ के रण में खुद हरीश रावत अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सदन में पहुंचना है, सरकार बनानी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और मैं उनके साथ हूं आज की चुनावी यात्रा में। उनसे बात करते हैं। रावत जी, क्या लग रहा है अभी, क्या माहौल है? जनता में कांग्रेस के लिए जबरदस्त उत्साह है, लोग परिवर्तन करना चाह रहे हैं और परिवर्तन के प्रति विकल्प के रूप में उनको कांग्रेस दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग ये महसूस करते हैं कि 2014-15-16 में हमने एक अच्छी सरकार दी और भाजपा उसकी तुलना में एक बिल्कुल विफल सरकार साबित हुई है। तो इसलिए लोगों के मन में अब ये चाह है कि हम पुराना जो हमारा एजेंडा था 2014-15-16 का, उसको हम अगले 5 सालों में लागू करें। आप दिन में कम से कम भी 1.5-2 दर्जन सभाएं कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या आपको किस तरह का फील आ रहा है? देखिए, यहाँ लालकुआ के लोगों का तो मुझको प्यार आशीर्वाद सब मिल रहा है, लेकिन राज्य भर में भी यही स्थिति है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और भाजपा एक बुरी हार की तरफ जाएगी। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हरीश रावत जी का अब कुछ नहीं, चूक हुए हैं वो राजनीति के क्षेत्र में और उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। घमंड बुरी चीज है और मैं समझता हूँ कि राजनीति में घमंड, यदि रावण भी होता राजनीति में तो उसको भी जो है उसका घमंड भी चूर हुआ है। तो भाजपा का जो ये रावणी स्वभाव है कि अपने विरोधी के ऊपर ऐसा प्रहार करना है, जो प्रहार जो है बड़ा कटु हो, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। खैर, धामी जी को अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं समझता हूँ जब आगे झटके लगेंगे, और फिर मैं तो ये कह रहा हूँ पहले अपनी बचा लो, फिर हरीश रावत का हिसाब किताब लोगों के सामने रखना। कि मौसम की अनिश्चितता ने भाजपा को बहुत कुछ राहत दे दी है, अन्यथा अभी तक तो हम प्रदेश भर में एक जबरदस्त माहौल बना दिया होता। अच्छा, आपका कहना यह है कि अगर ये पिछले दिनों जो मौसम खराब हुआ और ये आजकल जो बारिश बर्फबारी हो रही है, अगर मौसम सामान्य होता तो मतलब आपकी सीटों का आंकड़ा बहुत ऊपर होता? बहुत ऊपर होता, क्योंकि कांग्रेस अपने को विषम पर मौसम के कारण आगे नहीं रख सकी। सरकार के पास एक एडवांटेज रहता है कि उनके पास संसाधन रहते हैं, तो वो
वो संसाधनों से लड़ रहे हैं, हम विरथी रघुवीरा वाली स्थिति में हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है। अच्छा रावत जी, चुनाव के बीच बीच में बहुत सारी अजीब अजीब तरह की चीज़ें आती हैं, यहाँ भी आपको जब आप चुनाव लड़ने यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि बाहरी हैं, ये क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा घर है, घर और घर आंगन से कोई बाहर कहा जाता है। और ये भाजपा का दुष्प्रचार है, वो ये भूल गए कि उन्होंने यहाँ दो बार पार्लियामेंट के में जिन लोगों को टिकट दिया वो लोग भी मेरे घर के अड़ोस पड़ोस के थे, एक हाथ तो मेरे घर से भी बहुत दूर के थे। और फिर मैं तो यहाँ के लोगों के दुख सुख में पहले भी शामिल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अचानक कोई आ गया हूँ और या मैं परिचय का मोहताज हूँ। फिर जिन सिद्धांतों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिस उत्तराखंड के लिए मैं, जिस तरीके का उत्तराखंड बनाने के लिए मेरा संघर्ष है, जिस उत्तराखंडियत की मैं बात कर रहा हूँ, तो यदि वो उत्तराखंडियत अपने आंगनी में कमज़ोर कैसे पड़ सकती है, तो यहाँ के लोग जो है हरीश रावत की रक्षा भी कर रहे हैं, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की भी रक्षा के लिए हमारे साथ खड़े हैं। रावत जी, पिछले दिनों हरिद्वार में एक कार्यक्रम हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उसमें मदन कौशिक जी का चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने कहा भाई 60 पार सीट होने के बाद मदन कौशिक मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मतलब इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? ना होगा नौमन तेल ना राधा ना चाहिए कि या कुछ और है आपके? ये भाजपा के आंतरिक द्वंद को भी दर्शाता है, क्योंकि कौशिक श्री त्रिवेंद्र सिंह के समर्थक माने जाते हैं और वो लोग श्री धामी के खिलाफ खड़े हैं, तो ये भी है। और फिर ये भी सत्यता है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। रावत जी, आपने बीच में हमारे साथ भी और तमाम दूसरे जो मीडिया हाउसेज हैं उनके साथ मुखातिब जब हुए, आपने कई बार अपनी पुरानी गलतियां स्वीकारी और उन्होंने कहा कुछ गलतियां हुई हैं और इस बार रिफॉर्म्स होंगे, मौका मिलेगा, वे कौन सी गलतियां थी आखिर जो आपको लग रहा है कि वे नहीं होनी चाहिए? देखिए, एक सख्त प्रशासक भी होने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि कुछ निर्णय मेरे गलत रहे और जिन निर्णयों से मेरी छवि पर भी थोड़ा सा दाग लगा। जैसे कि हैं, सब बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जाती हैं, ये बातें अपने समझने की होती है और अपने को करेक्ट करने की होती है, और मैं हमेशा अपने को करेक्शन की प्रोसेस में मानता हूँ। मैं कभी ये मान के नहीं चलता कि मैं हमेशा सही हूँ या हमेशा सही रहूँगा, जहाँ गलती करता हूँ स्वीकार करता हूँ, उसको सुधारेंगे। और मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे एजेंडाज जो मैंने 2014, 15, 16 में रखे थे, उस एजेंडे में मैं एक बात पर बहुत जोर दे करके काम करूँगा, वो है गवर्नेंस और एक क्लीन और बहुत पर्पजफुल गवर्नमेंट मैं उत्तराखंड के लिए। हरीश रावत का काफिला हल्दू चौड़ पहुंच गया था, जहां एक जनसभा को संबोधित किया। हल्दू चौड़ के बाद अगला पड़ाव दानी बांगर था, जहां कार्यकर्ता हरदा का कर रहे थे इंतजार। इस जगह का नाम दानी बांगर है और ये गोला पार है और लाल कुआ का हिस्सा है। यहाँ से लाल कुआ विधानसभा सीट से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं और हरीश रावत जैसे ही इस गांव में पहुंचे तो हरीश रावत सबकी चाहत, हमारा नेता कैसा हो हरीश रावत जैसा हो और हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो हरीश रावत जैसा हो, इस तरह के नारे लगने यहाँ शुरू हो गए। तो हरीश रावत जी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अपनी सीट जीतना और अपनी सीट जीतने के साथ ही यहाँ पर अपने साथियों को भी चुनाव जिताना। दानी बांगर से लच्छमपुर की तरफ निकल पड़ा कारवां और फिर शुरू हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। के साथ हरीश रावत जी हैं और मैं लालकुआ में हूं, दानी बांगर गांव में, और यहां पर उनकी भी जनसभा थी तो उन्हीं से बात करते हैं चलते चलते। रावत जी, सुबह से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण है और सबसे बड़ी बात यह है कि गोलापार के बहन भाई में हमारे लिए जोश है। क्या है जीत का फार्मूला? जीत का फार्मूला बिल्कुल सीधे है कि जनता जो है परिवर्तन चाह रही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन गांडीव उठाओ और कर्म करो, जो है जो लिखना था मैंने लिख दिया है। तो जनता कह रही है कि कांग्रेस
तुम काम करो, चिंता मत करो, हमने तय कर लिया है परिवर्तन लाना है, भाजपा को भगाना है। राव जी, गोलापार वाला क्षेत्र है, बड़ी संभावनाएं हैं यहाँ। बहुत संभावना है, बहुत संभावना है, बल्कि पूरे लालकुआ क्षेत्र में बहुत संभावना है। हमारे हल्द्वानी में जनसंख्या का बहुत बड़ा घनत्व हो गया है, और कुमाऊं नहीं बल्कि उत्तराखंड की वो कॉमर्शियल कैपिटल भी है। तो यदि डेवलपमेंट होना है और मॉडर्न हिसाब से डेवलपमेंट होना है, तो चीज़ों को जो है जिस तरीके से एनसीआर के अंदर बाहर के आउटर क्षेत्र डेवलप करके एनसीआर की कल्पना को साकार किया गया है, तो हमको हल्द्वानी की कल्पना को साकार करने के लिए गोलापार, बरेली रोड, बिंदु खत्ता, हमको दूर जो है अपने दूसरे एरियाज के अंदर संभावनाएं ढूंढनी पड़ेगी। लाल कुआं के अलग अलग इलाके में पहुंचकर हरीश रावत प्रचार में व्यस्त है, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हरीश रावत का नकेल प्लान। एबीपी गंगा के लिए लाल कुआं से अजीत राठी की रिपोर्ट। सुबह से शुरू हुआ हरीश रावत का प्रचार अंधेरा होने के बाद भी जारी था, और अब पहुंच गए थे काठ गोदाम इलाके में, जहां बिजली की कमी एक बड़ा मुद्दा है। काठ गोदाम में जिस जगह हरीश रावत जनसभा को संबोधित करने आए हैं, यहां पर एक हैरत अंगेज खुलासा अभी हुआ। 40 साल से भी ज्यादा समय हो गए पे प्रोसेस चलते हुए, लेकिन यहां विद्युतीकरण नहीं हुआ, यहां पर बिजली की सप्लाई नहीं है। यहां लोग आज भी लालटेन जलाकर प्रकाश करते हैं, मोमबत्ती में, लालटेन में, इनमें उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये काठ गोदाम का गंगानगर क्षेत्र है, और लोगों से जीत का आशीर्वाद लेते हुए हरीश रावत अगले पड़ाव के लिए निकल रहे थे। मतलब आप ही की दीवानगी है क्या? है नकेल गांव, किसको नकेल डालने वाला है? ये भाजपा को धकेलने वाला है, नकेल इस बार भाजपा को धकेलेगा। अभी अभी नकेल से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? देखो रात हो गई, अंधेरा हो गया, लोग आपको नहीं, आप अभी आगे के गांव में जाएंगे तो आपको वहां भी यही वातावरण दिखाई देगा। तो इस बार नकेल कसी जाएगी? इस बार भाजपा को बाहर कर दिया जाएगा। भाजपा भाजपा जब कहती है कि 60 पार, जनता कहती है तुम्हें करेंगे तड़ी पार। तड़ी पार। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अपना कितना कैलकुलेशन है? मुख्यमंत्री कैसा हो? देखो, हम तो कह रहे हैं हे दाता, यदि तुम हमसे प्रसन्न हो तो हमको इतना बहुमत दो कि हम एक स्थिर, मजबूत और उत्तराखंड की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली सरकार दे सके और 5 साल चला सके। काठगोदाम में ही दूसरे क्षेत्र में हरीश रावत ने अपनी जनसभा को संबोधित किया। लालकुआ में आज दर्जनों बैठकें करके हरीश रावत ने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। ये काठगोदाम है और लालकुआ विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और आप यहां देख सकते हैं कि उनकी अभी भी जो अपना जो जनसंपर्क अभियान, जो मीटिंग है, जो जनसभा है, वो अभी भी चल रही है। और हरीश रावत यहां पर जो परंपरागत तरीके से ढोल दमाऊ करके, ढोल बजाकर, लोकगीतों के साथ, और जो यहाँ के जो स्थानीय जो कलाकार हैं उनके साथ ये सारी चीजें सेलेक्ट करते हुए वो माहौल को बनाने में कामयाब रहे। पूरी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो खरोश देखने को बनता है। सुबह से लेकर शाम तक कई जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही हरीश रावत ने कांग्रेस के विजय तिलक के लिए देवभूमि की जनता से आशीर्वाद मांगा। एबीपी गंगा के लिए लाल कुआं से अजीत राठी की रिपोर्ट। Vijay Tilak, Vijay Tilak, Vijay Tilak.